रख रहा था यार, मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊँ। अम्मी आप सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे, आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और इसकी माँ है, निकाले से यहाँ से। लीला जी, साहब जी कह रहे हैं बंदर आ जाइए। हाँ जी, वो कह रहे हैं बंदर आ जाइए। मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया कि तुम्हें इस वक्त घर से चले जाने का कहूं। इसलिए तुम कुछ दिन यहां ठहर सकती हो। पापा कुछ दिन? गेस्ट रूम खाली, ऊपर चली जाओ। कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कितनी परेशान हो रही थी और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। माँ वो मुझे मारकर घर से भाग गए। मारकर कहाँ भागा बेटे? शायद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। एक लगाई होती ना दिमाग ठिकाने पर आ जाता उसका। बड़ी मुश्किल से उठकर उसके पीछे भागा था, बहुत पीछा किया, पता नहीं कहाँ चले गए, जमीन खा गई या आसमान, कुछ पता नहीं चला। अरे अच्छा हो गया वो चली गई और अल्लाह करे वापस भी ना आए, और ये उसका घर नहीं हमारा घर है। मगर वो गई कहाँ है? मुझे लगता है कि सुबह वापस आ जाएगी। आए तो सही, उसकी टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम नहीं। अरे नहीं, मैं खुद उससे निपट लूंगा। तुम पर हमला करके गई है, मुझे नहीं लगता कि वापस आएगी। अलबत्ता पता नहीं घर से क्या क्या चुरा कर लेके गई है। उसकी माँ ने अपनी कमाई से चुपके चुपके उसके लिए सोने के जेवरात बना के रखे थे। अभी मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। तुम जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जी माँ बाप की तलाक हुई तो बाप को छोड़ के चली गई और पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, और जब माँ मर गई तो बाप की याद आ गई। जबान संभाल कर बात करें। जबान संभाल कर तुम बात करो, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये मेरे बाबा का घर है और मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे इस घर से निकालने वाली? अच्छा मैं कौन होती हूँ? मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। माफ नहीं किया उसने तुम्हें। एक बात मत भूलिएगा कि मैं उनका खून और मेरा पूरा हक है इस घर में रहने का। तो फिर देखते हैं तुम कब तक यहाँ टिके रहती हो। तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है।
मामा, आप कितनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अपने सगे बाप के घर में होकर भी मैं खुद को इस घर में अजनबी सा महसूस कर रही हूं। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? इस थोड़ा सा चेंज तो ऑन द राइट साइड। या ओके, देखो जरा। हे सलमान। हाय, हाउ आर यू गाइस? हम ठीक हैं, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल एवान, जस्ट वेट, आई एम जस्ट हैविंग लिटिल शूट मोर। हाँ जी, क्या हो रहा है आजकल फिर? वाव, यू आर सो गॉर्जियस। ईमान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम अभी ऑडिशन देने जा रही हो। है क्या? नो 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 नो, देखो एनी, मुझे ये मॉडलिंग मॉडलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब हो तो आई विल बी ओके। देखिए मान, माना कि आपके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, लेकिन इस फील्ड में नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, और मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और आपका नाम भी बन जाता है। आई नो, लेकिन यार कुछ नहीं होता, प्लीज। और ये तो बस ऑडिशन है, फिर देखते हैं कि तुम एक्सेप्ट होती हो या रिजेक्ट। लेकिन देखिए फिर भी मुझे, कम ऑन प्लीज, आइए, उठो, चलो, मुझे नहीं आता है। एनी, चलो यार, मैं नहीं कर सकती। प्लीज आइए, लाइक ट्राई टू डू इट। तुम चाहो ना, प्लीज कम कम, कुछ नहीं है। एनी, गो गो, जस्ट मेक इट लाइक दिस। थैंक यू। ओके, काम डाउन। यहाँ देखिए, क्या लेंस पे, ओके, वाओ, लो, होल्ड ऑन। वाओ, इट्स अमेजिंग। ये देखिए, ये देखिए, दिस वन, कूल ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, इट्स ऑन लेफ्ट साइड। अच्छा, जस्ट रिलैक्स। पानी पीना आपने? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं, मैं ठीक हूँ।